हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका आज के हमारे नए वीडियो में। इस समय हम हरिपुरी इस जंगल के पहाड़ों के ऊपर से पानी आता है, उसके ऊपर हम चढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर बहुत से व्यक्ति आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा गड्ढा है तो ऊपर से पानी आता है, तो यहाँ पर लोग नहाने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पर लोग नहा धो रहे हैं। तो हम थोड़ा आगे बढ़कर वहाँ का दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं जंगल बहुत घना है, थोड़ा सा जगह निकला हुआ है, यहाँ से ऊपर से पानी आता है पहाड़ों के ऊपर से। हम ऊपर चढ़कर वहाँ का दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे। इतना ऊंचा है पहाड़ है कि लगता है कि बादल एकदम सट सा गया है। हम धीरे धीरे पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ का दृश्य दिखाने के ऐसे ही रास्तों का प्रयोग करते रहेंगे। तो हम थोड़ा ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही घना जंगल और बहुत ऊबड़ खाबड़ पहाड़ पत्थर आपको नज़र आ जाएंगे। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जितना ऊपर चढ़ते जा रहे हैं वहाँ पर बहुत से व्यक्ति हमको मिलते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी की धार इतनी तेज थी कि पत्थर को काटकर ऐसे काटिए जैसे छीने हथौड़े से काटा गया है। जो भी व्यक्ति हरिपुर में आते हैं ऊपर से पानी आता है तो उसे देखने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमने काफ़ी दूर आ जाने की कोशिश की तो यहाँ पर हमें झरना सा दिखाई दिया। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे नहाते हुए हमें मिले, तो थोड़ा यहाँ भी हम मजे कर लेते हैं। हम एक से डेढ़ घंटे आगे चलकर देखें तो हमें बीच रास्ते में पहाड़ों के ऊपर एक पुल भी दिखाई दिया। उसके जस्ट बगल में हमें मंदिर भी दिखाई दिया। वहीं से हम लौट आए क्योंकि आगे जाने की कोशिश नहीं किए, क्योंकि उसके आगे हम जाते हैं तो वहाँ भी दुर्घटना या घट सकती थी, इसलिए हम वहाँ से वापस। आपको कभी भी मौका मिलता है तो पहाड़ों पर चढ़कर देख सकते हैं। इसके पहाड़ों पर बहुत से लोग आगे जाने की कोशिश किए और जानने की कोशिश करते हैं कि पानी कहाँ से निकलता है। ये जंगल का पानी है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनके कारण हिमालय से पानियाँ उतरती रहती है, और जहाँ जहाँ ऊँचाइयाँ होती हैं पेड़ पौधे होते हैं उनसे पानी निकलकर पहाड़ों के ऊपर से नीचे की तरफ आती है। आप ये पत्थर देख सकते हैं कि यह पानी द्वारा बहाकर लाया गया है। यह पहाड़ों की ऊंचाइयों से आया हुआ पत्थर है। यह पानी की धार इतनी तेज होती है कि पत्थरों को भी काट देती है, तो यदि इंसान आ जाए तो उनको किस तरीके से चीर कर रख देगी। बच्चे नीचे झरना से नहाने के बाद ऊपर चढ़कर देखना चाहते हैं कहीं और भी झरना मिल जाए तो हम जाकर वहाँ नहा ले। तो हम भी कैमरा लेकर आगे बढ़ चुके हैं और वहाँ का दृश्य भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो नहा चुके हैं उसके बावजूद भी देखिए पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक पुल मिल चुका है, हम यहाँ से वापस अब अपने स्थान की ओर निकलने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना पुल लग रहा था तो यहाँ से अब कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा, तो हमें यहाँ से वापस जाना पड़ा। तो हमारे साथ बच्चे भी निकल चुके हैं, ये देख सकते हैं नंगे पुंगे से एकदम लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने नहाया था और कपड़े अभी तक नहीं पहने थे, तो यह पुल का यही तक अंदाज था। तो हम आगे फिर कभी आएंगे तो इसके आगे का दृश्य दिखाएंगे। हम यहाँ से वापस होते हैं और वहाँ का दृश्य दिखाते हैं कि बीच रास्ते में बहुत से लोग यहाँ पर नहाने के लिए भीड़ लगाए हुए हैं, क्योंकि और भी लोग यहाँ पर आ जाते हैं देखने के। बहुत से बच्चे यहाँ नहाने का मजा ले रहे हैं और ऊंचाइयों से थोड़ा सा कूद रहे हैं ताकि इनको और भी आनंद मिले। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे पहाड़ हैं, तो लोग आते जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम भी वापस निकल रहे हैं और यहाँ का थोड़ा सा दृश्य हम आपको दिखाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप एक छोटा सा नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पूरा जंगल ही जंगल ऊंचाइयों से दिखाई दे रहा है, या पहाड़ों के ऊपर से इतना ज़्यादा पेड़ है कि आप कैसा लग रहा है कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। कोई भी टॉपिक आपके पास है तो कमेंट करना ना भूलें।